मम्मी हमारी बोली थी कि नीम की पत्ती तोड़ लेना। क्या है कि नीम की पत्ती डालकर गेहूं में रखने से ना कीड़े नहीं लगते। ये मैं बता देता हूं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये मैंने 2-3 सालों से आजमा भी रहा हूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हालांकि दोस्तों, मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं शाम को, क्योंकि आज भाई बहुत ज़्यादा काम था घर में। आज मैं बता दूं, आज मैं हूं खेतों में। तो ये है मेरे चारों तरफ, आप देखेंगे खेत ही खेत है। तो फिलहाल मैं बता दूं गाइस कि आज क्या हुआ है कि आज मतलब मेरे खेत में मतलब कटाई उटाई हो चुकी है और लग गई। तो ये देखिए, आधा आधा जो है तो गहर भी गया है, मतलब गहाई हो गई आधा ही, और ये भूसा वगैरह इतना रखा हुआ है, तो अभी इतना बचा हुआ है। तो आज भी और रात को लगेंगे, हालांकि हैं 2 लोग मजदूर लोग हैं, तो 2 लोग लगेंगे तो साथ में हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया है, अभी बचा है 1 पाटा का और बचा है। तो ये 4 पाटा है इस खेत में, मतलब 3 पाटे के कंप्लीट हो गए, 1 पाटा वो सामने रह गया है। तो उतना भी गहाई रह गई है। सो भाई, आज इतनी गहाई हो जाए तो फिलहाल इतनी तो गहाई कंप्लीट हो जाएगी। अभी एक और खेत बाकी है, वहाँ भी होनी है। तो अभी फ़िलहाल काम तो इस समय सीजन ही चल रहा है इसका, तो अभी समय लग जाएगा। और वैसे देखा जाए ना, इस बार मतलब मेरा खेत जल्दी मतलब कटाई भी हो गई है, गहाई भी हो गई है। इसका कारण ये है कि भाई इस बार क्या था, मैंने धान नहीं बोई थी रवि खरीफ के सीजन में, तो इस कारण से धान न होने की वजह से जल्दी खेती हो गई थी रवि वाली, तो इसलिए गेहूं कटाई वगैरह जल्दी हो गई है। अभी राई बची है, राई को लास्ट में गाहेंगे। उससे क्या होगा ना कि वो उड़ती भी बहुत है, हालाँकि तो थोड़ा बहुत ज़्यादा राई नहीं है, इसलिए राई को लास्ट में गाहेंगे। और फिलहाल गाइस वैसे बता दूँ, जो इस एरिया जहाँ पर ये खड़ा हूँ, तो मुड़ीला तालाब वाला एरिया बोलते हैं, मुड़ीला तालाब नाम थोड़ा अजीब है ना, लेकिन हाँ बोलते यही है मुड़ीला तालाब। तो तालाब भी आपको दिख, इस जो ये जो खेत है, तो इस खेत के उधर साइड उस पार तालाब है। हालांकि तालाब को अब खेत बना दिया गया पूरी तरह से, तो इसलिए अब वहाँ भी खेती होती, तालाब अब कम रह गया है। बरसात के सीज़न में ज़रूर नहीं हो पाती, क्योंकि पानी भर जाता है। सो गाइस, चलिए ठीक है, अब अभी हम आए हैं देखने वही क्या है, कितना बचा हुआ है। तो अब शाम तक 8 बजे तक आएंगे मजदूर लोग खाना पीना खा कर, क्योंकि रात भर गहाई ही रहती है। सो गाइस, चलिए ठीक है, फिर आप लोगों से मिलते हैं, और रात को तो फिर ब्लॉगिंग हो ना पाएगी हालाँकि अधिकतर। तो चलिए ठीक है, मैं खेत में ही था तो मैंने कहा यहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। सुबह हो नहीं, क्या क्या है कि जितना गहाई हो गई है ना, तो इसका क्या जो अनाज था, गेहूं था, उसको घर पहुंचाना था, और इस कारण से सुबह कुछ काम हो नहीं पाया और ना कुछ ब्लॉग बना पाया मैं, और इसीलिए अब बना रहा हूँ। ये देखिए, मेरे चारों तरफ खेती खेती है। मम्मी हमारी बोली थी कि नीम की पत्ती तोड़ लेना। क्या है कि नीम की पत्ती डालकर गेहूं में रखने से ना कीड़े नहीं लगते। ये मैं बता देता हूं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो, ये मैंने 2-3 सालों से आजमा भी रहा हूं कि अगर नीम की पत्ती एक बार मतलब थोड़ा नीचे डाल दो, ड्रम वगैरह है तो, फिर गेहूँ डाल दो, फिर थोड़ा बीच में नीम की पत्ती डाल दो सुखवा करके, और तो ऐसा करने से फिर ना इसमें कीड़े नहीं लगते गेहूँ में। तो मैं निकाल भी रहा था, तो मैंने देखा था भी मतलब ड्रम अपना खाली किया था, क्योंकि अब नया गेहूं भरेंगे, तो उसमें मैंने देखा कि एक भी कीड़े नहीं हैं। तो इसलिए नीम की पत्ती मम्मी बोली है कि तोड़ के लाना है, उसको सुखवा करके फिर डालेंगे इकट्ठा करके फिर। तो चलिए, ये भी काम है फ़िलहाल आज। नीम है कहाँ, लेकिन वो मिल जाएगी, चलिए चलते हैं नीम के पास। नहीं भाई, वो नीम अभी ना मिल पाएगी, अब हम अभी ना तोड़ेंगे, शाम सुबह तोड़ेंगे फिर। अभी अब कौन शाम को अब चढ़ने जाए पेड़ में। तो चलिए ठीक है गाइस, फिर आप लोगों से होती है मुलाकात। और ये हमारे पीछे देख रहे हैं बैर का पेड़ है, जो कि अब बैर नहीं लगी हैं, अब तो सब झड़ गई हैं। नीचे ज़रूर कुछ थोड़ी थोड़ी देख रही हैं, सूखी सूखी है ना। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ खेत से, और भाई बहुत गर्मी है अब। सो फिलहाल अब गाय वगैरह लगाना है, और इधर मम्मी जी हमारी लगी हुई रोटी वगैरह बनाने में। मम्मी जी रोटी बना रही हैं, सब्जी वगैरह बन गई मम्मी, सब्जी बन गई है भाई, रोटी बनना है। तो चलिए ठीक है गाइस, गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं फिर से खेतों में, क्योंकि खेतों में आने का कारण यही है कि आज बचा हुआ हमारा तो 2-3 घंटे काम और है, तो वो काम हो जाए तो अब आ जाए हमारे मजदूर लोग, और फिर उसके बाद ये काम होगा,
2-3 घंटे काम है, ज़्यादा नहीं है, पर मेरे को तो रहना पड़ेगा भाई। पिताजी अभी गए हैं खाना पीना खाने, तो ये रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोरी है, अनाज गला भी है थोड़ा बहुत, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ सामान भी है, इसलिए प्रेमचंद को तो रहना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, फिलहाल वो लोग आ जाए, उसके बाद फिर गाय स्टार्ट हो जाएगी। और ठीक है गाइस, फिर तो मेरे को आज फिर ब्लॉग बनाने का मौका नहीं लग पाएगा। सो गाइस फिलहाल वैसे बता दूँ कि यार यहाँ बहुत अंधेरा है, देखिए मेरे चारों तरफ यहाँ मैंने लाइट लगा रखी है हालाँकि, लेकिन बता दें कि चारों तरफ बहुत अंधेरा है। और हाँ, डर वगैरह मेरे को नहीं लग रही है, फाइनली ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए ठीक है गाइस, अब आज का हम ब्लॉग यहीं एंड करेंगे। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।